आज के वीडियो का टॉपिक है डीसी सीरीज जनरेटर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस दूसरे जो जनरेटर है उसके मुकाबले अलग है। तो कैसे वोल्टेज बिल्डअप होता है वो हम 3D में देखेंगे। तो अब हम इसके जो अंदर का जो मेन जो पार्ट्स होता है उस पार्ट्स के नाम हम जान लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर फील्ड कॉइल और एक आर्मेचर है, ठीक है। अब इसे सीरीज जनरेटर ही क्यों कहते हैं? देखो, सीरीज उसी को कहते हैं जिसके अंदर से सेम करंट फ्लो होता है। अगर हम दोनों लाइट लेंगे, दोनों लाइट को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, दोनों लाइट के अंदर से ही सेम करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम है, आर्मेचर के अंदर से जो करंट फ्लो होगा वही करंट फील्ड कॉइल से भी फ्लो होगा, ठीक है, एंड वही करंट लोड के अंदर से भी फ्लो होगा। तो इसी की वजह से हम इसे सीरीज कहते हैं, ठीक है, डीसी सीरीज जनरेटर। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस जनरेटर को स्टार्टिंग करके अगर आप इसके वोल्टेज को मेजर करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत ही कम वोल्टेज देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा आगे बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोड लगाओगे तब देखोगे कि आउटपुट वोल्टेज आपका बढ़ गया है, ठीक है। इसके पीछे का कारण क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में अभी जनरेटर में कोई भी लोड लगा नहीं है, ठीक है। अगर लोड नहीं होगा तो जनरेटर ओपन सर्किट है, ध्यान से देखो, ओपन सर्किट है। जनरेटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो फील्ड कॉइल है उस फील्ड कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट नहीं होगा तो आर्मेचर का जो कंडक्टर है वो कंडक्टर किसे कट करेगा, कट नहीं करेगा। फ्लक्स को अगर कट नहीं करेगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत वोल्टेज हमें मिलता है ओपन सर्किट में भी। अगर आप जनरेटर में लोड नहीं लगाकर भी अगर आप वोल्टेज को मेज़र करोगे तो हमें थोड़ा बहुत वोल्टेज हमें मिलता है। वो वोल्टेज कहाँ से मिलता है फिर? जनरेटर का जो फील्ड कॉइल है उस फील्ड कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने पर क्या होता है, उस पर एक फ्लक्स क्रिएट होता है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वहाँ पर क्या होता है, एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ रहता है। मतलब अगर आप करंट फ्लो बंद ही कर दो फील्ड कॉइल से तो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स रह जाएगा। उसी कम मैग्नेटिक फ्लक्स को जैसे ही एक कंडक्टर, आर्मेचर का जो कंडक्टर है वो कट करता है, तब इस आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर ईएमएफ जनरेट होता है। लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि फ्लक्स बहुत कम है। इसलिए जब स्टार्टिंग के टाइम जनरेटर जब स्टार्ट होता है तब तो ओपन सर्किट होता है। आर्मेचर का कंडक्टर क्या होता है, इस थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है। इसी की वजह से आर्मेचर कंडक्टर में थोड़ा बहुत इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और हमें स्टार्टिंग के टाइम में जो थोड़ा बहुत वोल्टेज हमें मिलता है वो इसी की वजह से मिलता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम लोड कनेक्ट करेंगे तो पूरा जो सर्किट है वो क्लोज हो गया है। जैसे ही पूरा सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ था उसकी वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर से एक करंट फ्लो होगा। अब वो करंट क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगा इस फील्ड कॉइल में, ठीक है। अब फील्ड कॉइल का जो फ्लक्स था वो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो आर्मेचर का जो कंडक्टर है वो कंडक्टर जब इस फ्लक्स को कट करेगा तो उसके अंदर का जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी बढ़ जाएगा। अब जब इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इस सर्किट से करंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट सैचुरेटेड हो जाएगा और इसके अंदर का जो ईएमएफ है वो भी सैचुरेटेड हो जाएगा। तो हमें आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो फिक्स वोल्टेज हमें मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हम लोड को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर से और करंट फ्लो होगा। अब जैसे ही और करंट फ्लो होगा, इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स से ये मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ेगा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इसके अंदर का जो ईएमएफ है, इंड्यूस ईएमएफ, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें और मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि लोड बढ़ाने के साथ साथ आपका जो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो भी बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन एक टाइम आने के बाद क्या होगा, जनरेटर का जो फ्लक्स, वो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब जितना भी करंट जनरेटर से फ्लो हो ले, ठीक है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। जितना हम लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जनरेटर से उतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन फ्लक्स एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अगर आप लोड अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा लेकिन फ्लक्स सबका कांस्टेंट है, तो इसलिए जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो आर्मेचर में आयर ड्रॉप आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी की वजह से क्या होगा, आउटपुट का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है,
ज़्यादा लोड अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आउटपुट का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी लोड के साथ साथ घटना स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर आप ज़्यादा लोड लगाओगे तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा, ठीक है। तो यही है डीसी सीरीज जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा।